हे गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमरा सेटिंग के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको इस सैमसंग के फ़ोन के कैमरा सेटिंग बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर कैमरा को ओपन कर लेना है। तो ये है सिंपल आपका कैमरा, यहाँ से आप फोटो इस तरीके से शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से अगर आपको ये फ़ोटो जो है दूर करना है तो यहाँ पर आप इधर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे 0.5x, तो यहाँ पर ये फ़ोटो दूर हो चुका है। अब आप यहाँ से इस तरीके से फ़ोटो शूट कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप इस तरीके से जूम, 10x जूम इसमें आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 10x जूम करके फ़ोटो शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट का ऑप्शन। तो पहले यहाँ पर जूम इन कर लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो इस पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीछे का ब्लर कर सकते हैं। केवल इस पर आप फोकस करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो पीछे का ब्लर हो जाता है और यहाँ से आप फ़ोटो शूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप वाइड एंगल यूज कर सकते हैं, मतलब कि पीछे की साइड ये थोड़ा सा जूम आउट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, माइक्रो का ऑप्शन मिल जाता है, नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, और ये फूड और प्रोनोमा प्रो। तो स्लो मोशन से आप यहाँ पर स्लो मो वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरी स्लो मो वीडियो बनने वाली है। तो ये मैंने काफ़ी तेज़ में इसे हिला रहा हूँ, तो ये स्लो मोशन में वीडियो बन चुकी है। तो अब हम आपको स्लो मोशन वीडियो दिखाते हैं। तो ये है स्लो मोशन वीडियो। तो यहाँ पर ये हमारी वीडियो चल रही है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफ़ी धीरे धीरे मेरा फिंगर यहाँ पर हिल रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में स्लो मो वीडियो बना सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक मिल जाता है माइक्रो का ऑप्शन। तो इस माइक्रो के ऑप्शन में क्या होता है कि आपकी छोटी चीज़ भी अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ से आप इस तरीके से फ़ोटो यहाँ पर शूट कर सकते हैं इसका। बाकी यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं अपने कैमरा से। नेक्स्ट, यहाँ से आपको ऑटो HDR मिल जाता है, इसे ऑन करके रखना है, और शूटिंग मेथड्स मिल जाते हैं। तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका शो पाम मिल जाता है, अगर आप इसे ऑन करके रखते हैं तो आप इस तरीके से हैंड को दिखा कर भी अपना फ़ोटो शूट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर प्रेस वॉल्यूम की, तो इससे क्या होता है अगर आप वॉल्यूम की भी डाउन या फिर आप कोई भी वॉल्यूम की आप प्रेस करेंगे आपका फ़ोटो शूट हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको बैक कर देना है और यहाँ से अगर आप वाटर मार्क ऑन करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर देंगे। आपके फ़ोन में कोई भी फ़ोटो शूट करेंगे आप तो यहाँ पर आपका वाटर मार्क आ जाता है इस तरीके से, कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में वाटर मार्क आ जाता है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको और सेटिंग पे जाते हैं, फिर यहाँ से आपको और नीचे जाना है। अगर आप ये सारी सेटिंग हटाना चाहते हैं तो यहाँ से रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देंगे, सारी सेटिंग्स हट जाती हैं। और यहाँ से अगर आपको बैक जाना है, फिर यहाँ से आपको अगर टाइम लगाना है, दूर से फ़ोटो शूट करते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो जो भी आप टाइम लगाना चाहते हैं, और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे आपका फ़ोटो 2 सेकेंड बाद शूट हो जाता है। अगर आप दूर से फ़ोटो शूट करते हैं तो ये सेटिंग आपकी अच्छी रहती है। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको ये मिल जाता है एक, तो यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाते हैं कुछ, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ से फेस वाले फिल्टर्स भी आपको मिल जाते हैं, जैसे ये ऑन करने इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये काफ़ी बढ़िया फिल्टर्स आते हैं इसमें और ये काफ़ी चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग्स यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।